शहडोल से है, जहां जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के ग्राम कनवाही के चौकी टोला में खेत में गांजे की खेती हो रही थी। सूचना मिलने पर बुढ़ार पुलिस ने मौके से खेत में लगे 40 नग गांजे के हरे पौधे जब्त कर कार्यवाही की। बुढ़ार थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र के कनवाही चौकी टोला से खेत में गांजे की खेती की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई। खेत से गांजे के हरे पेड़ों को उखाड़ कर जब्त तक कर लिया है। तीन आरोपितों को भी पकड़ा गया है जो गांजे की खेती कर रहे थे। इनके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपियों ने जहां गांजे की खेती की थी वहां लोगों का कम आना जाना रहता है। आरोपियों ने खेत में अन्य फसलों के बीच गांजे के पेड़ लगा रखे थे। एक पेड़ का वजन लगभग 10 किलो बताया गया है। नजदीकी गांव में गांजे की खेती थी जिसकी पुलिस को एक भी भनक नहीं थी। आरोपी दिनेश सिंह रामलखन द्विवेदी मुनीश तिवारी पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा के साथ सहायक उप निरीक्षक गया प्रसाद कनौजिया व अन्य पुलिस कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि आगे और भी जांच की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां खेती हो रही थी संभावना है कि और लोग भी कर रहे हों।